जय श्री कृष्णा। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम में बांधने वाले श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हम आपके साथ मना रहे हैं। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को ढेर सारी शुभकामनाएं श्री कृष्ण जन्मोत्सव की। कृष्ण जी ने एक किसानों के लिए चर्या रची और उनके दाऊ बड़े भाई श्री बलराम जी जो किसानों के भगवान भी कहे जाते हैं, तो कृष्ण जी ने गौ सेवा में अपना पूरा जीवन बिताया और गौ माता ने अपना जो अमूल्य अर्क दिया गौ अर्क और गोवर्धन पर्वत का गोबर ये पूरे विश्व की धरा को समृद्ध बनाने के लिए काफ़ी था। और आज हम ओटू पार्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गौशालाओं में सेवा दे रहे हैं कि गायों को कैसे अच्छे से भोजन प्राप्त हो और गौशाला सेल्फ सस्टेनेबल कैसे हो। आप सभी भी शामिल हो सकते हो गौ सेवा में ओटू पार्क पर आ करके। मैं डॉक्टर बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से, 2006 से हम किसान पाठशाला चला रहे हैं, अभी 2023 आया है, फार्मरों के लिए लर्न एंड टीच का प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं और आपको YouTube चैनल पर मिलेगा सीखना और सिखाना। उसी के साथ पैरेलल हमने बी किसान ट्रेडर्स लॉन्च किया, तो पूरे बी किसान परिवार को किसान पाठशाला परिवार को मैं तहे दिल से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और कृष्ण जी पूर्ण अवतार कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हर एक लीला में हर एक पार्ट में पूरा अपना पार्टिसिपेट दिया है। इसी तरीके से फार्मर हैं या हम गौसेवक हैं या हम जनरल एक व्यक्ति हैं जो अपनी चर्या को जी रहे हैं, हम किसी भी धर्म से किसी भी समाज से हैं, बट मैंने थोड़ा सा कृष्ण जी से सीखा है कि जिस जगह पर जो कार्य करें उसको अपना संपूर्ण पूरा समय तन मन पूरा दें ताकि वो कार्य पूर्ण हो। और आप सभी से आशा करता हूँ कि आप जहाँ पर हो जो भी कार्य कर रहे हो जिस भी समाज के हो जिस भी धर्म के हो आप जिस कार्य में हो उस कार्य को अपना पूर्ण समय दें, अपना पूर्ण अस्तित्व दें ताकि वो कार्य पूर्ण बने। और इसी तरीके से किसान पाठशाला बी किसान टीम अपना पूर्ण समय दे रहा है किसानों की सेवा में। और उसी के पैरेलल हमने बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया जो फार्मरों को किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा दिखा रहा है, सिखा रहा है, उनके साथ जी रहा है। और केले की खेती जो 2010 में हमने शुरुआत करी थी किसान पाठशाला के साथ, सीखते सीखते जो मात्र 3% एक्सपोर्ट होता था जब केला भारत में 4x5 और 5x5 पर ही प्लांटेशन होता था एज ए ग्राफ, अब पूरे भारत को समझ में आया है कि किसान पाठशाला जो गाइडलाइंस दे रहे हैं कि 5x7 पर लगाएं तो एक्सपोर्टर ज़्यादा आएंगे, अब 5x9 पर भी किसान स्मार्ट फार्मिंग आगे बढ़ रहा है तो यूरोपियन बायर और रशियन बायर भी आ रहे हैं। अभी तक हम केवल गल्फ कंट्री में दे रहे थे, वो भी 2010 के बाद से एक्सपोर्ट बल्क में बढ़ा। तो किसान पाठशाला की पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जो 3% से 30% तक केले को एक्सपोर्ट पर ले जाना चाह रहे हैं बी किसान ग्रुप के साथ में। तो अभी 7.5 से 8% एक्सपोर्ट हो चुका है, बढ़ चुका है। इसके लिए मैं पूरे बी किसान टीम और किसान पाठशाला को थैंक्स बोलूँगा, जिसमें बी किसान स्मार्ट फार्मिंग किसानों को किसान पाठशाला के साथ फ्री एजुकेट करते हुए किसान खर्च ज़्यादा और उत्पादन ज़्यादा की मुहिम में बढ़े हैं। तो स्मार्ट फार्मिंग जिसको भी करना हो उसके लिए प्लेटफॉर्म है, आइए जुड़कर मिलकर चलते हैं। पैरेलल वहीं पर हमने बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की रचना करी है जो एक एज ए एनजीओ या ट्रस्ट या एक संगठन कह सकते हैं आप। पूरे भारत के फार्मर जुड़े हैं और आप जो मुझे सुन रहे हो आप भी जुड़ सकते हो फार्मर सेवा के लिए या फार्मिंग करते हुए या खुद को सीखने के लिए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कुछ उद्देश्य हैं दो, जिसमें शामिल है एक एग्री इनपुट, खेती किसानी में जो भी सामान लगे उसको कम खर्च में कैसे हम अवेलेबल करें। दूसरा एग्री आउटपुट, तो फार्मर जो उत्पादन कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेट में कैसे हम सप्लाई करें। इन दोनों कामों के लिए पूरे भारत के लिए भी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जिससे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। और ये सारी विधाओं के साथ साथ लेटेस्ट हमने ओटू पार्क एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड किया है। मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि आप गूगल पर इनको सर्च करके पूरा रीड कर सकते हो कि बी किसान ग्रुप, बलराम किसान या
किसान पाठशाला, ओटू पार्क, बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहाँ पर हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ओटू पार्क में आप सभी को इन्वाइट करना चाहूँगा। ऑक्सीजन पार्क का सिंपल एक स्लोगन है H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। हम जहाँ पर हैं, मैं केवल भारत की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं भारत के पड़ोसी देशों की भी बात कर रहा हूँ, मैं विश्व में हर देश, हर राज्य, हर तबके की बात कर रहा हूँ, हर समुदाय के व्यक्ति से बात कर रहा हूँ मैं। आप सुन रहे हैं ना? यस, ध्यान से बैठकर समझिए हम दोनों साथ में कैसे चल सकते हैं। ओटू पार्क, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। हम जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या हमारे आसपास की इन्वायरमेंट सेल्फ सस्टेनेबल है? अगर है तो हमें वहाँ के टिप्स भेजिए कि आप किस तरीके से जी रहे हैं, हम भी उसको सीखेंगे। अगर नहीं है तो हमसे जुड़िए, कुछ हमारे पास जानकारी है वो आप तक बांटेंगे, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हमें बनाना है और उसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें इकोनॉमी को कनेक्ट करना है। पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेट हो, टेम्परेचर कम हो, पेड़ पौधे ज़्यादा हो, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उससे ऑक्सीजन कम हो रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। और हम पेड़ पौधे लगाने की मुहिम जो भी छेड़ते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हर 1 जुलाई को पूरे भारत के हर जिले में कुछ पेड़ पौधे आते हैं, फ्री में लगाते हैं, पहाड़ों को, टीलों को भरते हैं। अक्टूबर नवंबर आते तक 90% पेड़ पौधे गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी डालने वाला नहीं है। हम सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके साथ इकोनॉमी को टच नहीं किया है तो वो इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं होता। ओटू पार्क यही काम कर रहा है। आपको जुड़े हुए रहना है हमारे साथ, हमारी एक्टिविटीज़ को समझना है तो ओटू पार्क एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, और यूट्यूब पर जाएंगे तो ओटू माय अड्डा, ओटू पार्क डालेंगे तब भी आएगा, लेकिन माय अड्डा जो टैगलाइन है, माय अड्डा मेरी रहने की जगह, मेरी एक व्यवस्था ऐसी जहाँ पर मैं जो चाहूँ सब कर सकूँ, मैं जो चाहूँ वो सब समझ सकूँ, मैं प्रकृति के साथ कनेक्ट हो सकूँ, एकदम फील गुड होने के लिए ओटू माय अड्डा आप टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो आपको एक चैनल मिलेगा जहाँ पर हमारी पूरी विधाएँ मिलेगी। और इस कृष्ण जन्म उत्सव पर मैं आप सभी को एक सूचना देने वाला हूँ कि हम काफ़ी गौशालाओं के साथ जुड़े हैं। आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास गौशाला है या आपके पास प्राणी संरक्षण है तब भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के लिए हम कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे सारे के सारे गाइडलाइंस निःशुल्क है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। हम अभी हिंगोनिया गौशाला के साथ जुड़े हैं। भारत में इतना बड़ा पहली बार MOU साइन हुआ है कि 10 साल का हमारे साथ में चलने का MOU है कि हम वहाँ गौशालाओं को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। वैसे ही हमारा एक सर्वे हुआ है, एशिया की सबसे बड़ी गौशाला जो श्री गोधाम पथमेड़ा तीर्थ है, जहाँ पर 1,52,000 गायें हैं, ओटू की टीम ने अभी वहाँ पर विजिट किया और वहाँ की चर्या ऑटोमेशन पर कैसे आए, गायों को भोजन अपने आप कैसे मिले, गायों का जो गोबर, जो गोमूत्र है, जो उनका दूध है, दही है, छाछ है, मक्खन है, वो कैसे सही साइजेबल जाए, और गौशाला दान लेने की बजाय दान देने वाली कैसे बने, इस पर ओटू काम कर रहा है। ओटू काम कर रहा है दी नेचुरल हैबिटेट पर। ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये जो दीवार है ये गोबर का लिपण है, और मेरी ऑफिस में मैं अगर आपको दिखाऊं तो कहीं पर भी AC नहीं है, हम पंखे में ही जी लेते हैं। तो इस तरह की चर्या दी नेचुरल हैबिटेट, आपको अगर एक विजिट करना है तो हिंगोनिया गौशाला जयपुर, जिस गौशाला का नाम है श्री कृष्ण बलराम गौशाला सेवा ट्रस्ट, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर ओटू पार्क का एक ऑफिस बन रहा है जो बैम्बू हाउस बन रहा है। इस तरह के पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हम दी नेचुरल हैबिटेट के हाउस बना रहे हैं, जो भी हमसे जुड़कर कनेक्ट होना चाहे। इसके साथ साथ हम एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं ओटू पर, बायोमास टू CNG, बायोमास टू पैलेट्स, बायोमास टू इथेनॉल, और बैम्बू हमारा मेन हीरो है क्योंकि बैम्बू सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इस कृष्ण जन्म उत्सव पर मैं आप सबको ये सारी बातें क्यों बतला रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बलराम क्या काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसान पाठशाला क्या कर रही है, आपको पता होना चाहिए ओटू क्या कर रहा है, इसलिए मैं सारी विधा बता रहा हूँ। सो एनर्जी सेक्टर में जिनको भी इथेनॉल, CNG, पैलेट्स, ब्रिकेट्स पर आगे बढ़ना है या बैम्बू से कोई अदर प्रोडक्ट बनाना हो तो आप साथ में ओटू पे जुड़ सकते हैं।
ओटू काम करता है बैरन लैंड को डिजाइन करने के लिए, बंजर जमीनें जो पड़ी है वहां पर हरियाली लाने के लिए। गो सेवा में ओटू ने सबसे पहला कदम बढ़ाया है भारत में। तीसरा, गुजरात के अहमदाबाद के पास इस्कॉन ट्रस्ट का एक गौशाला है, वहाँ पर हम 11 तारीख को रहने वाले हैं, 11 सितंबर 2023, जहाँ का सर्वे करना है और उस गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे आगे बढ़ाना है, ये विधाओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ओटू की टीम समर्पित है प्राणी संरक्षण के लिए। जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुन रहा है कनेक्ट हो सकता है। otumaiadda@gmail.com ये ईमेल एड्रेस है। पूरे विश्व में जो मुझे सुन रहा है वो भी कनेक्ट हो सकता है प्राणी संरक्षण के लिए, जंगल डेवलप करने के लिए, बैरन लैंड को डिज़ाइन करने के लिए। आपके पास अगर कुछ है या आप कुछ सीखना चाहते हैं दोनों कनेक्टिविटी के लिए, आप ओटू से कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने ईमेल एड्रेस बोला है otumaiadda@gmail.com, यहाँ पर हम कनेक्ट हो सकते हैं। मैं पुनः सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर। आभार।